सैयद अम्बार हसन शाह साहब बुखारी, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप आए बारगाह सरवरे कौनैन में अपनी मोहब्बतों का, अकीदतों का, चाहतों का नजराना पेश फरमाए। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रौसिया, सनाखाने मुस्तफा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ काजी हसन साहब का कि जिनके तवसुल से आज की इस बाबरकत महफिल में हाजिरी का मौका नसीब हुआ। और हमारा मुख्तलिफ जगहों पर महफिल में जाना होता है, लेकिन ऐसे हसन भाई जैसे चेहरे कम ही नजर आते हैं। इतने मुअद्दब लोग हैं ये, और इतना मुअद्दब अंदाज होता है इनका, अल्लाह ताला इनको जज़ा अता फरमा, और इसी से इनके बड़ों का भी पता चलता है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह सलामत रखें और इनके इल्म अमल में इजाफा फरमाए, इनके घर पे अपने खैर बरकत का नज़ूल फरमाए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाल्लाह, मोहब्बत के साथ, दिल के साथ, क्योंकि दिल से निकली हुई शायद कोई एक हमारा पड़ा हुआ ना कबूल हो, आपका पड़ा हुआ उस बारगाह में कबूल हो जाए, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप ही हमारे साथ शामिल हो जाए। मोहब्बत उल्फत और अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश आए। मुझसे कबल जितने भी लोगों ने पढ़ा वो सब मुझसे अच्छा पढ़ने वाले थे, मैं तो बस एक अपनी अर्जी पेश करता हूँ, तो आप भी मेरे साथ मिलकर शामिल हो जाइएगा, मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए, पढ़िए। बहाराई बहाराई बहाराई
اور بڑا سمجھ کے داد دے رہے تھے. اگلا شعر میں پیش کرنے لگا ہوں پیر صاحب آپ کے ذوق کی نظر. ہوا کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جلتی ہوئی چیز کو بجھاتی ہے, لیکن جب حضور کی آمد ہوئی تب ہوا نے کیسے حضور کے حضور کا جشن منایا. شعر دیکھیے گا. شب وہ چراغا ہوا زمانے پہ, اسے ایک شب وہ چراغا ہوا زمانے پہ, کہ ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں, لگی بہار آئی بہار آئی بہار آئی میں ہوں
ऊंचाई गा गई और हम कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।